हर्ष न्यूज की सारी खबरें आप तक। गीता कॉलोनी की झुग्गी बस्तियों में पानी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, जनता परेशान है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि गीता कॉलोनी शमशान घाट के आसपास की सफेदा और नर्सरी झुग्गी की है, जो कि एक टैंकर पानी आता है, वो भी आधा आता है। यहाँ पर 4000 से ज्यादा लोग पानी भरने के लिए आते हैं, मगर कुछ लोगों को ही पानी मिल पाता है। एक घर में कम से कम 10 से 12 बर्तन और कोई 5 से 6 बर्तन लेके आता है, जिससे कि 24 घंटे उनका पानी से जो भरपाई हो सके, मगर पूरा भी पानी नहीं मिलता। इसमें काफ़ी तो होटल वाले भी आते हैं, जो कि जिनके पास 10 से 12 बर्तन होते हैं, जो अपने होटल के लिए लेके जाते हैं, मगर मना करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ पर आपस में ही लोग एक दूसरे में झगड़ा करते हैं सबको पहले पानी लेने के लिए। ये नज़ारा गीता कॉलोनी की शमशान घाट के पास का दिखा रहे हैं, जो कि सुबह टैंकर आया था, कुछ देर के बाद ही यहाँ से चला गया, क्योंकि पानी पूरा नहीं था, टैंकर में आधा पानी था। जनता परेशान रही, सुने जनता का क्या कहना है। मोहम्मद रुदल नाम है। बहुत समस्या है पानी का जी, मारपीट सब होता है, और पानी का एक टैंकर आता है, वो भी बेचारा क्या करेगा। जितना उसका ऑर्डर होता है वो पानी उतना लेकर के आते हैं, और पानी का बहुत समस्या देख रहे हो ना, सब मारपीट एकदम बहुत तरीका की बात यहाँ पे हो जाता है, डब्बम फेंकम फेंकी ना खत्म हो जाता है, फिर खरीद के लाना पड़ता है। 20 रुपए की एक बोतल देता है। पार्षद के बोले थे, विधायक के पास भी 2 एप्लीकेशन लिख करके दिए, कोई सुनवाई नहीं है। हो जाएगा बोलता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है ना। इलेक्शन आएगा तो वोट लेने के लिए झुग्गी झोपड़ी वाला सब चूतिया है, सबसे वोट लेने के लिए आ जाता है। यहाँ कम से कम 5000 से ऊपर की आबादी है जी। क्या नाम है आपका? शुभकला देवी। जी, पानी लेने में कितनी दिक्कत होती है? परेशानी तो होता है भैया, धक्का धुक्की, मारपीट भी हो जाता है, गाली लेते हो रोज का, एक 2 बोतल बहुत हो गया। हाँ क्या करे, पानी नहीं हो पाता ना, पानी कम हो जाता, फिर कितना पड़ता। कितना टैंकर आता है यहाँ पे? एक ही आता है।